और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। खबर बालाघाट जिले के उकवा से। सुबह प्रातः 6:30 बजे के बाद उकवा क्षेत्र में कोहरे ने मचाया आतंक। जैसा कि प्रकृति कभी कभी अपना रंग बदलते दिखाई देती है और वर्तमान में वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तीनों ऋतु साथ में चल रही, जबकि 4-4 माह में मौसम परिवर्तित होता है, किंतु इस वक्त उकवा क्षेत्र में 9 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे अचानक कोहरा छाने लगा और कोहरा एकदम घना छाया। देखते ही देखते 10 मीटर के व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर वालों को अचानक गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं लाइट भी काम नहीं कर रही थी। मुश्किल से टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर गाड़ी वालों को 20 से ज्यादा स्पीड नहीं चला पा रहे थे। यह कोहरा लगभग 3 घंटे छाया रहा। 9:30 बजे के लगभग कोहरा हल्का हल्का कम होते दिखाई दिया। वहीं प्रवीण नामक व्यक्ति ने बताया कि मैं प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठता हूँ तथा मॉर्निंग वॉक करने के लिए कस्तूरी नाला तक जाता हूँ। कस्तूरी नाला से जैसे ही मैं 6:30 बजे के लगभग घर पहुंचा तो अचानक ही कोहरा छा गया। देखिए पूरी खबर बालाघाट उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। ये जो कोहरा जो छाया हुआ है ये कितने बजे छाया हुआ है? 7:30 बजे से। 7:30 बजे छाया है। अभी कितना बजा है? 8:30 बजे रहे। बज रहा है। ये अचानक छा गया है? अचानक छा गया ये। जब आप प्रतिदिन घूमने निकलते हो? प्रतिदिन रोज घूमने जाता हूँ, कस्तूरी नाला तक जाता हूँ। कितने बजे जाते हो? मैं 5:30 को जाता हूँ। 5:30 को 5:30 बजे? हाँ। उस समय मौसम कैसा था? मौसम खुला हुआ था, जाना खुला हुआ था, कोहरा वगैरह नहीं छाया था। बिल्कुल नहीं छाया था। नहीं छाया था। ये अचानक छाया है? अचानक छा गया। और अभी छाया हुआ है? हाँ। अभी समय अभी छाया हुआ है। छाया हुआ कितना बज रहा है अभी? अभी 8:00 बज रहे हैं। 8:00 बज रहे। चलो ठीक।